शहर के गायत्री नगर में संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। व्यासपीठ से रामद्वारे के संत गोपाल राम महाराज श्रद्धालु को कथा का रसपान करा रहे हैं। भगवत कथा श्रवण कराते हुए संत गोपाल राम महाराज द्वारा भगवान की अनेक लीलाओं में श्रेष्ठतम लीला रास लीला का वर्णन करते हुए बताया कि रास तो जीव का शिव के मिलन की कथा है। यह काम को बढ़ाने की नहीं, काम पर विजय प्राप्त करने की कथा है। इस कथा में कामदेव ने भगवान पर खुले मैदान में अपने पूर्व सामर्थ्य के साथ आक्रमण किया है, लेकिन वह भगवान को पराजित नहीं कर पाया, उसे ही परास्त होना पड़ा है। रासलीला में जीव का शंका करना या काम को देखना ही पाप है। गोपी गीत पर बोलते हुए संत ने कहा, जब तब जीव में अभिमान आता है, भगवान उनसे दूर हो जाता है, लेकिन जब कोई भगवान को न पाकर विरह में होता है तो श्री कृष्ण उस पर अनुग्रह करते हैं, उसे दर्शन देते हैं। भगवान श्री कृष्ण के विवाह प्रसंग को सुनाते हुए संत गोपाल राम महाराज ने बताया कि भगवान श्री कृष्ण का प्रथम विवाह विदर्भ देश के राजा की पुत्री रुक्मणी के साथ संपन्न हुआ, लेकिन रुक्मणी को श्री कृष्ण द्वारा हरण कर विवाह किया गया। इस कथा में समझाया गया कि रुक्मणी स्वयं साक्षात लक्ष्मी है और वह नारायण से दूर रह ही नहीं सकती। यदि जीव अपने धन अर्थात लक्ष्मी को भगवान के काम में लगाए तो ठीक नहीं, तो फिर वह धन चोरी द्वारा, बीमारी द्वारा या अन्य मार्ग से हरण हो ही जाता है। धन को परमार्थ में लगाना चाहिए और जब कोई लक्ष्मी नारायण को पूजता है या उनकी सेवा करता है तो उन्हें भगवान की कृपा स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। श्री कृष्ण भगवान में रुक्मणी के अतिरिक्त अन्य विवादों का भी वर्णन किया गया। कथा के दौरान राधा कृष्ण की जीवन झांकियां भी सजाई गई।